अस्सलाम वालेकुम। चलिए टाइम हो गया, हम शुरू करते हैं। आप से जो लोग पीछे बैठ रहे हैं वो चेयर्स की वजह से पीछे बैठ रहे हैं, आई एम श्योर, वरना आगे जगह काफी है यहाँ पे अभी। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही व मन इस्तना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक और मौजू पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उस मौजू को आप कई एंगल से समझ सकते हैं, सिंपली के आपकी और मेरे अंदर टॉलरेंस कैसे डिवेलप हो जाए। जब आप टॉलरेंस की बात करते हैं, बर्दाश्त की बात करते हैं, तो आपके जहन में दो टर्मिनोलॉजीज ऑटोमेटिकली आती हैं मुसलमान होते हुए। एक आपको आती है सब्र की टर्मिनोलॉजी, टॉलरेंस के साथ सब्र कनेक्टेड है, और दूसरी टर्मिनोलॉजी आपको जो जहन में आती है वो है फॉरगिवनेस की टर्मिनोलॉजी। तो जब आप भी टॉलरेंस की बात करेंगे तो आपको फॉरगिवनेस और सब्र, पेशेंस, इन दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये टॉपिक ऐसा है कि ख़वातीन अगर इसको अपने हिसाब से समझना चाहें तो इसमें बहुत से सबक निकल सकते हैं, और हमें किस किस वक्त बर्दाश्त की ज़रूरत होती है उसके लिए कोई एज ब्रैकेट नहीं होता कि 40 साल की औरत को ज़्यादा बर्दाश्त करना होता है और 16 साल की लड़की को कम बर्दाश्त करना होता है। देर आर लॉट्स ऑफ एंगल्स कि आपको अपने बराबर में रहने वाले लोग जो हैं, कभी कभी टॉलरेंस के साथ उनके साथ आपको वक्त गुजारना होता है। इंसान बनाया गया है अकल के साथ और जज्बात के साथ। आप और मैं बहुत सी चीज़ों को अकल से ज़्यादा जज्बात से हैंडल करते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता? हम लोग बहुत कम चीज़ों को इंटेलेक्ट से डील कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जज्बात से डील करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर माँ अपनी बेटी या अपने बेटे से कहती है कि अब तुम मेरी बात वैसे नहीं मानती हो या मानते हो जैसे पहले मानते थे, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम माँ अपने जज्बात की बेसिस पर ये फैसला कर रही होती है। यानी पहले मेरा बच्चा छोटा था तो मैं जो कहती थी वही करता था, जो पहनाती थी वही पहन लेता था, जहाँ जाने को कहती थी मेरे साथ चल पड़ता था। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसकी चॉइसेस अलग हो रही हैं, तो माँ अक्सर जज्बात की बेसिस पर अपनी औलाद को डील कर रही होती है। सेम विल अप्लाई ऑन स्पाउस रिलेशनशिप। आप अपने शौहर से कहती हैं आप पहले जैसे नहीं रहे, जब आप ये कहती हैं आप पहले जैसे नहीं रहे, तो आप अकल से ज़्यादा जज्बात से काम लेकर कह रही होती हैं या सिर्फ अकल की बेस पर कह रही होती हैं? कैसे आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आई है, माशाल्लाह, मुस्कुराहट बता रही है कि जब हम अपने शौहर से ये कहते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, हम सिर्फ जज्बाती लिहाज में वो बात कर रहे होते हैं। तो इंसान बने हैं जज्बात के साथ और अकल के साथ, लेकिन इंसान बहरहाल बार बार ये बात भूल जाता है कि उसको अकल को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जज्बात को भी करना है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा कम लेवल में इस्तेमाल करना। जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं, माफ़ करने की बात करते हैं, किसी को बर्दाश्त करने की बात करते हैं, तो ये हकीकत है कि जितना इमोशनल डैमेज, जितना आपको जज्बाती नुकसान आपके करीब रहने वाले लोग पहुँचाते हैं, इतना सड़क पर चलने वाले तो नहीं पहुँचाते, चलिए सड़क पर चलने वाले को भी छोड़ दीजिए। आप और मैं यहाँ, आप में से जो लोग यहाँ पिछले 3 महीने से रेगुलर आ रहे हैं, और आपका और मेरा सिर्फ इतना इंटरेक्शन होता है कि मैं बोलती रहती हूँ, आपको बोलने नहीं देती, और आप चुप करके सुनते रहते हैं, और उसके बाद आप भी चले जाते हैं घर और मैं भी चली जाती हूँ घर, तो इंटरेक्शन तो हमारा भी होता ही है, जितना भी होता है। दिस इज़ क्वाइट नेचुरल कि मैं आपको उतना हर्ट नहीं करूँगी जितना आपकी छत के नीचे जो रिश्ते आपके साथ रहते हैं वो आपको हर्ट करने का बायस बनेंगे। तो इमोशनल डैमेज इंसान का जो होता है वो सबसे ज़्यादा उसका उसके अपने करीबी रिश्तेदारों की तरफ से होता है। और अपने रिश्तेदारों को माफ़ करना आसान होता है या मुश्किल?
मैं यहाँ कोई गलती कर दूँ, अगर मुझसे, मैं इंसान हूँ, इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, हो सकता है आप मुझसे कोई सवाल पूछे और मैं उसको सही तरह जवाब ना दूँ, या आप हर्ट हो जाएं, या आप ना मुनासिब समझे मेरा कोई जुमला और मैं आपसे फ़ौरन कह दूँ आई एम सॉरी, तो आप मेरे सॉरी को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। फैमिली में फैमिली वालों से गलती हो जाए और उनको अपनी रियलाइजेशन हो जाए और वो सॉरी बोलें, तो आपकी और मेरे लिए उनके सॉरी को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता जितना हमारे लिए स्ट्रेंजर्स के सॉरी को डाइजेस्ट करना आसान होता। लेकिन ये हकीकत है कि अगर हम लोगों को माफ़ ना करें उनकी गलतियों के ऊपर, अभी तो मैं बात कर रही हूँ लोगों की गलतियाँ और उनको माफ़ करना, अगर हम लोगों की गलतियों पर लोगों को माफ़ ना करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारा दिल ग्रजिस से, बोग्स और कीने से और मुश्किलात और परेशानियों से भर जाए। ये सिंपल बात है, यही बात मैं आपको 8 घंटे की वर्कशॉप में भी बता सकती हूँ और यही बात मैंने आपको 5 मिनट में बता दिया। ये सिंपल सी बात है कि जब आप और मैं लोगों को माफ़ नहीं कर पाते तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें खुद होता है, और जब हम लोगों को माफ़ नहीं करते हैं तो हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ पैदा होनी शुरू हो जाती है वो ग्रजेस होते हैं, जिसको आप कीना भी कह सकते हैं, जिसको आप परेशानियां भी कह सकते हैं, जिसको आप बुग्स भी कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, जितना आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे। जहां बड़ों को या जहां गलती करने वालों को या छोटों को और गलती करने वालों को माफ़ करना मुश्किल है, वहां क्या हमने बचपन से ये बात नहीं सुनी कि जो आला ज़र्फ होते हैं वो माफ़ कर देते हैं या माफ़ करना बहुत अच्छी आदत है? बचपन से सुना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी दीन था, अल्लाह की रहमत से मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, जितना भी दीन था अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप ने एक अच्छा वैल्यू स्ट्रक्चर दिया है। माँ बाप की तरबियत को कम्प्लीटली नल एंड वॉइड नहीं कर देना चाहिए कि नहीं उन्होंने हमें दीन नहीं सिखाया, हम तो खुद ही अक्लमंद इतने थे कि हमने बड़े होकर दीन की क्लासेस ढूंढी, फिर हमने जाना शुरू किया, फिर हमें कुरान समझना आया और फिर हमने दीन पर अमल करना शुरू किया, और उसमें से हम दरमियान में से माँ बाप को इक्वेशन में से निकाल देते हैं और साथ साथ हम ये भी अज्यूम करते हैं कि माँ बाप ने तो हक अदा नहीं किया। मुसलमान नहीं ऐसा सोचते, बी आर रियलिस्टिक, किसी ने आपके ऊपर एक एहसान भी किया है तो आप ज़िंदगी भर तक उसका एहसान उतार नहीं सकती, और ये तो माँ बाप हैं। तो माँ बाप ने हमें यह बचपन से सिखाया है कि बड़े हों या छोटे हों, आप बड़े हैं या आप छोटे हैं, जो माफ़ करेगा वो आला ज़र्फ़ बन जाता है, ये हमने हमेशा से सीखा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि माफ़ करना आपके और मेरे लिए आसान नहीं होता, ड्यू टू सर्टन रीजंस बहुत सी उसमें मुश्किलात जो हैं वो होती हैं, बहुत से उसमें जो हैं वो हिंड्रेंसेस होते हैं। बर्दाश्त करने के लिए किसी भी इंसान को अगर हम एक जुमला याद रखें, आपके साथ जितने भी लोग रहते हैं, लेकिन जब लोगों को बर्दाश्त करने की बात आती है ना तो एक बर्दाश्त करते हैं, हो सकता है आप किसी मीडिया चैनल को, आपको नहीं समझ आती कि वो किस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह की चीज़ें टेलीकास्ट करते रहते हैं, एक आप बर्दाश्त करते हैं किसी एक्टर एक्ट्रेस को, किसी एक आप बर्दाश्त करते हैं माशरे की किसी बुराई को, और एक आप बर्दाश्त करती हैं अपने क्लोज रिलेशनशिप की किसी गलती को, क्या इन सब में फ़र्क होगा बर्दाश्त करने में? ये सबको आप एक ही एंगल से, एक ही लाठी से हाँकेंगे, सबको बर्दाश्त करने का एंगल अलग होगा। एक आप बर्दाश्त करते हैं अपनी बहन को और एक आप बर्दाश्त करते हैं अपनी नंद को, विल दिस बी द सेम थिंग? नहीं पॉसिबल है। एक आप बर्दाश्त करेंगे अपने मैके वालों को और एक आप बर्दाश्त करेंगे अपने ससुराल वालों को, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि इंसान सिर्फ ससुराल वालों को बर्दाश्त करता है, आपको बहुत सी चीज़ें अपने मैके वालों की बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। क्या सिर्फ आप अपने रिश्तेदारों के बच्चों को जो बदतमीज़ होते हैं उनको बर्दाश्त करते हैं, या बाज़ोकात आपको अपने बच्चों की बदतमीज़ियों को भी बर्दाश्त करना होता है? दिस इज़ क्वाइट नेचुरल कि हमें हर दफ़ा एक मुख्तलिफ सिनेरियो के साथ बहुत सी चीज़ों को टॉलरेट करना होता है। तो अब किस्मत टॉलरेट करने का लेवल क्या होगा ये आपको और मुझे सीखना होता है। मैं एक जैसा गुस्सा हर वक्त नहीं शो कर सकती, कहाँ मुझे किसी को बर्दाश्त करने के बाद खामोश रहना है, कहाँ मुझे किसी को खामोश बर्दाश्त करते हुए बोलना है, कहाँ मुझे किसी को बर्दाश्त करते हुए इग्नोर करना है। दिस विल वेरी फ्रॉम केस टू केस, डिपेंड करेगा मेरे सामने कौन मौजूद है। जैसे जो एजुकेशनिस्ट हैं वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जो टफ सिनेरियोज आते हैं, जो अनप्लेजेंट सिचुएशंस आते हैं, उसमें आपके पास 4 choices होती हैं। नंबर एक, सामने वाले ने आपके साथ कोई ज़्यादती की तो आपके पास एक चॉइस होती है कि आप उसके साथ लड़ाई करें, यू कैन फाइट, आप फाइट कर सकते, फाइट इज़ द वन ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन वो कहते हैं कि सामने वाले ने आपके साथ ज्यादती की तो आपके पास ये कैपेसिटी और ये पॉइंट और ये गुंजाइश होती है कि आप वहीं पर अपने जगह पर फ्रीज हो जाएं। बस लोग होते हैं ना, जब सामने वाला बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं वो लोग बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। एक ही ऑप्शन भी होता है, या तो फाइट करें या फ्रीज हो जाएं। बस लोग होते हैं जब सामने वाला कोई बिला वजह गुस्सा कर रहा होता है तो द थर्ड ऑप्शन इज फ्लाइट, वहां से हट जाएं। एक ही ऑप्शन भी है, अब डिपेंड करता है कौन आप पे गुस्सा कर रहा है, आपके पास हटने की गुंजाइश है भी कि नहीं। अब अम्मा डांट रही है, अम्मा कह रही खड़ी रहो यहीं पे, आप कह रही मैं दर्स में सुन के आई थी इट्स बेटर टू फ्लाइट, तो मैं तो जा रही हूँ दूसरे कमरे में। सो एक ऑप्शन है फाइट, दूसरा है फ्रीज, तीसरा है फ्लाइट, और चौथा ऑप्शन भी है इट इज अ बेटर ऑप्शन, इट्स फॉरगिव, इट्स अ फॉरवर्ड एफ फॉर्मूला। जब भी आपके सामने कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन आएगी आपके पास इन चारों में से कोई एक चॉइस होती है। डिपेंड करता है कहाँ पर आपने किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है। Either you can fight, you can freeze, you can flight, and you can forgive. इसमें से हमने देखना है कि हमने किस वक्त क्या करना है। जब मैं बात करती हूँ बर्दाश्त करने की या टॉलरेंस की या फॉरगिवनेस की या माफ़ करने की, तो देखें अपने आप को भी तो सोचना चाहिए ना। जहाँ मैं लोगों को बर्दाश्त करती हूँ क्या मुझे भी लोग बर्दाश्त करते हैं? अगर नहीं, मैं तो हूँ ही इतनी अच्छी, किसी को मुझे बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है। दे फील प्राउड मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ। हम ज़्यादातर अपने बारे में ये अप्रोच रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक हम इंसानों को इंसान और अपने आप को भी इंसान नहीं समझेंगे, आप और मैं ज़िंदगी में एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल मुसलमान नहीं बन सकते हैं। देखिए इंसान के गुनाह दो तरह के होते हैं, एक है मेरा गुनाह जो मेरे और मेरे रब के दरमियान, जस्ट बिटवीन मी एंड माई रब। इंसानों कैसे गुनाह होते हैं जो उनके और उनके अल्लाह के खालिक के दरमियान में होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स अल्कोहल पीता था, शराब पीता था, और अल्लाह हमारे माशरे के सब अल्कोहल पीने वालों को हिदायत दे और वो इस हराम चीज़ को हराम समझें। अल्कोहल 100% हो या 30% हो, याद रखें वो हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने अल्कोहल छोड़ दिए लेकिन अब हम बियर पीते हैं जिसमें 30% अल्कोहल होती है सिर्फ, इट्स हराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि हराम शय हराम है चाहे उसकी मिकदार ज़्यादा हो या उसकी मिकदार कम हो। तो एक मरतबा एक शख्स रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा या रसूलल्लाह मैं शराब पीता हूँ, मतलब अल्कोहलिक हूँ, क्या मुझे इस पर गुनाह मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ बिल्कुल इस पर तुम्हें गुनाह मिलेगा बिकॉज तुम हराम काम कर रहे हो। उसने कहा अच्छा अगर मैं सच्ची तौबा कर लूं और मैं वादा करूं कि मैं आइंदा शराब नहीं पीऊंगा तो क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुमने सच्ची तौबा की कि तुम आइंदा इस काम के करीब नहीं जाओगे तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। उसने कहा अच्छा फिर अगर मेरी तौबा के बाद दोबारा मेरा पाँव स्लिप कर जाए और मैं शराब पी लूँ, फिर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरिश्ता तुम्हारे गुनाह में एक गुनाह लिख देगा, अगेन स्टार्ट विद द बिगिनिंग नंबर वन, फिर तुम्हारा गुनाह लिखा जाएगा। उस शख्स ने कहा अच्छा फिर मुझे रिग्रेट हो और मैं माफ़ी मांग लूँ? आपने कहा अगर तौबा सच्ची होगी अल्लाह इरेज कर देगा। इसी तरह से रिवायत में आता है कि इस शख्स ने 8 मरतबा अपने इस अमल की माफ़ी का और अमल के करने का रसूलुल्लाह के साथ एक सिटिंग में इकरार किया कि मैं ये करूँ तो ये हो, ये करूँ तो ये होगा कि नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को कहा देखो बंदा गुनाह करते करते थक जाता है, अल्लाह माफ़ करते हुए नहीं थकता। दिस इज़ द गुनाह बिटवीन यू एंड योर रब, ये आपका और आपके रब का मामला है। जहाँ अल्लाह और अल्लाह के बंदे का मामला आता है, बंदा सच्ची तौबा करता है, अल्लाह नहीं कहता मैं ऑलरेडी तुम्हें 4 मरतबा माफ़ कर चुका हूँ, नाउ इट्स इनफ। हम करते हैं ऐसे, हम कहते हैं मैं इस रिश्ते को ऑलरेडी इतने चांस दे चुकी हूँ, 3 दफ़ा पहले भी माफ़ी मांगी थी मैंने माफ़ कर दिया था, नाउ नो मोर। इंसान करते हैं ये, अल्लाह नहीं करता ऐसा। आपका और मेरा हर वो गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा जो हमने कितनी भी मर्तबा किया, लेकिन हर मर्तबा जब हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी हमें सच्ची नदामत थी, एक्चुअल सिंसियर जेन्युइन हमारे अंदर रिग्रेट आया था, अल्लाह माफ़ कर देगा। बट देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ गुनाह जिसमें हमारे गुनाह में एक थर्ड पर्सनैलिटी कोई इंसान शामिल हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी इंसान के साथ ज्यादती की और फिर मैं अल्लाह के सामने बैठकर माफ़ी मांगती हूँ,
तो क्या अल्लाह अपने हिस्से का गुनाह माफ कर देगा, यानी जो मेरा मेरा गुनाह अल्लाह के तरफ था, अल्लाह अपनी रहमत से उसको माफ कर देगा? अल्लाह अपने हिस्से का, तो जो अल्लाह के साथ मैंने ज्यादती की थी, अल्लाह का हक मारा था, अल्लाह उसको माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता। जहां आपके और मेरे गुनाह में किसी इंसान का हक मारा जाता है, वहां अल्लाह अपना हक तो माफ कर देता है। इसलिए कि अल्लाह की शान यही है कि बंदा माफी मांगकर अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन अभी ये गुनाह कंप्लीटली स्लेट से वाइप आउट नहीं हो सकता, इसलिए कि जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसको इंसाफ दिलाने वाला भी तो अल्लाह ही है। अल्लाह उसको भी तो इंसाफ दिलाएगा। अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक कि जिसके साथ मैंने ज्यादती की है वो मुझे माफ ना करते। ये रूल समझ गए? अगर हम इस रूल को अपने जहन में रखें तो हमें जिंदगी में एक एक कदम, एक एक मामला सोच समझ के करना चाहिए। जहां मैं लोगों को बर्दाश्त करने की बात करती हूँ, वहां बहुत से लोग कॉन्स्टेंटली मुझे बर्दाश्त कर रहे होते हैं। यहाँ जितनी खवातीन इस वक्त बैठी हैं, जितनी खवातीन इसको सुनेंगी, हम में से हर इंसान एक स्पेशल स्किल सेट रखता है। आप में से हर एक की खूबियां हैं। जैसे मेरी खूबियां हैं, क्या उन खूबियों के साथ बुराइयां भी होंगी? खामोशी क्या मतलब है? आपको कोई शक है? नहीं, इंसानों में जहाँ खूबियां होती हैं वहाँ बुराइयां होती हैं। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। वो अल्लाह के अंबिया और रसूल होते थे जिनको खास अल्लाह की रहमत से ऐसी सिफात मिलती थी कि जिसमें आप वो आम इंसानों से कम्प्लीटली स्टैंड आउट करते हुए नजर आते थे। उसमें भी हम देखते हैं कि कभी ना कभी किसी रसूल से, किसी नबी से गलती हो गई। वो इंसान होते थे, अल्लाह की रहमत से स्पिरिचुअलिटी में इतना हाई होते थे कि जहाँ उनकी गलती उनसे होती थी या फौरन तौबा कर लेते थे, या जहाँ उनको अल्लाह की तरफ से वही उनकी इस्लाह करती थी, वो फौरन अपने आप को सीधे रास्ते पर, दुरुस्त चॉइस पर ले आया करते थे। तो हम में से जितने भी लोग हैं, अभी भी बहुत जगह है, थोड़ा थोड़ा जगह बनाइए। करीम आने से मोहब्बत बढ़ती है। जब इन लोगों में मोहब्बत करना आएगा तो खानदानों में जाके खानदान वालों से भी मोहब्बत करना आएगा। प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की गोद में भी बैठ सकते हैं। किसी ने यहाँ भी आना तो याद है, मेरी गोद में आके बैठना तो बैठ जाए, बस वजन का ख्याल कर लीजिएगा, अपने अपने और मेरे मेरे, सही? बहुत गुंजाइश है, दिल में जगह होनी चाहिए। मुझे याद है बचपन में कहते थे कभी कभी पिकनिक पर जाते हैं, तो पिकनिक में जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं तो गाड़ी कम पड़ जाती हैं, गाड़ियाँ सब बच्चे बच्चे अंदर, तब छोटे छोटे थे और शायद हम एक कार में शायद 10 लोग घुस गए। तो मुझे अपने अब्बा का जुमला भी याद आता है, हम कह रहे थे तुम मुझे पाँव मार रही हो, तुम मुझे कोहनी मार रही हो, तुम अपना मुंह पीछे करो, और अब्बा कह रहे बेटा दिल में जगह होनी चाहिए, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। इस वक्त आपका भी यही हाल हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल में जगह हो तो खुद ब खुद अल्लाह ताला जो है वो सब पैदा कर देता है। मैं क्या बात कर रही हूँ? स्किल सेट। हाँ, स्किल सेट। हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। अपनी ज़िंदगी का एक उसूल अपना लीजिए। आप में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, एडमिट कर लिया, तैयार हैं? या अल्लाह अभी तो खाना खा के नहीं आए, बस डायरेक्ट जुमे की नमाज, सुहर की नमाज पढ़ के और सूरत पढ़ के, सूरह कहफ पढ़ के सीधा यहाँ पहुँच गए। खाना खाए? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे में अच्छाइयाँ भी हैं और खराबियाँ भी हैं। जो हमारे साथ लोग रहते हैं उनमें भी अच्छाइयाँ भी हैं और खराबियाँ भी हैं। अपनी ज़िंदगी का एक उसूल बना लीजिए, फोकस ऑन गुड एंड डील विद बैड। जो लोगों की अच्छाइयाँ हैं उस पर अपना लेंस फिक्स कर लें, और जो लोगों की बुराइयाँ हैं, मैं ये नहीं कह रही उनको इग्नोर कर दें, मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डील विद बैड। और डीलिंग में फिर इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। सबको मैं एक जेनरिक उसूल देकर नहीं आपसे कह सकती, हाँ जेनरिक उसूल एक सिंपल आता है, जितना अल्लाह की खातिर माफ कर सकते हैं करें, दिस इज अ जेनरिक उसूल। एक मैं होलिस्टिकली इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख देती हूँ, बट कभी कभी इंसानों को बिल्कुल एक स्पेसिफिक अपने लिए कोई गाइडेंस चाहिए होती है, स्पेसिफिक गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये जुमला ज़्यादा अपीलिंग लगता है। जितने भी इंसान हैं उनके लिए अपना एक उसूल रखिए, चाहे वो किसी भी रिश्ते की कैपेसिटी में है, दोस्त हैं, बहन भाई हैं, औलाद हैं, स्पाउस है, महका है, ससुराल है, कोई भी है, एक्सटेंडेड फैमिली है, माशरे के हैं, नेबरहुड है, कोई भी है, फोकस ऑन गुड एंड डील विद बैड। और जब आप अल्लाह का खौफ रखते हुए लोगों को उनकी बुराइयों पर डील करते हैं
तो फिर आपको अल्लाह ताला खुद ब खुद सीधा रास्ता दिखा देते हैं, आप जाती नहीं करते किसी के साथ। वो आपके और मेरे गुनाह जिसमें कोई इंसान इन्वॉल्व हो जाएगा, याद रखें अल्लाह वो माफ नहीं करेगा मेरी तौबा से जब तक कि जिसके साथ मैंने ज्यादती की है वो मुझे माफ ना कर दे। तो इस चीज को जहन में रखें। अब आपके लिए बर्दाश्त करने के तरीके आपको इंशाल्लाह खुद बहुत वक्त के साथ साथ आने शुरू हो जाएंगे। जी बोलिए। तो अब जब इतनी सी बात हमें समझ आएगी कि आपने और मैंने लोगों को उनकी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करना है, आप और मैं अपने आप को बदल सकते हैं, आप और मैं अपने 5 फुट के जिस्म पर काम कर सकते हैं, आप और मैं लोगों को जबरदस्ती नहीं बदल सकते, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप के कितना समझा सकते हैं और किस अंदाज में समझा सकते हैं। लेकिन जिस चीज, जिस इंसान का कंट्रोल आपके हाथ में है वो आपकी औलाद भी नहीं है, वो कौन है? सिर्फ आपकी अपनी जात, आपका अपना 5 फुट का जिस्म जिसको आप अल्लाह का फरमा बरदार सख्ती के साथ भी बना सकते हैं। आप दूसरों के साथ सख्ती नहीं कर सकते हैं। अगर आप सख्ती कर सकते हैं तो अपनी जान के साथ कर सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं। तो अब हमने ये सीख लिया कि बर्दाश्त तो करना है, जो लोग साथ में होंगे उनमें अच्छाइयाँ भी होंगी बुराइयाँ भी होंगी, उनकी अच्छाइयों पर आपने और मैंने फोकस करना है। अब जब हम लोगों को बर्दाश्त करेंगे तो बर्दाश्त करने का मतलब क्या है कि जिससे मेरे दिल में ग्रजेज ना आए। इसकी बहुत से आप और मैं टूल्स अपना सकते हैं। बाजों का कभी कभी दिल चाहता है 8-8 घंटे की वर्कशॉप सिर्फ फॉरगिवनेस के ऊपर करा दी जाए। इसलिए कि हम यहाँ पर जितनी औरतें बैठी हैं, अगर मैं सबसे कहूँ कि अगर आपको कोई पर्सनल इशू है तो आप आ जाए, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपको मशवरा देती हूँ, अगर मैं दे सकूँगी जितना दे सकूँगी। मैं कल तक पारी हो जाऊँ? हाँ जी। नहीं नहीं, नेक्स्ट मंथ ही, विदाउट एग्जैजरेशन बता रही हूँ, 10 दिन तो यहीं गुजर जाएंगे। सीरियसली बताएं, और हम सबको इतनी ही ज़रूरत है। हम सब दिलों के अच्छे हैं, हम सब लोगों को माफ़ करना चाहते हैं, हम सब अपने साथ बहुत से ग्रजेस लेकर कब्रों में नहीं जाना चाहते। आप लोगों का यहाँ आना क्या बता रहा है? आप सब दिल के अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका दीन के लिए निकलना दोपहर के वक्त में, फ्राइडे का दिन जिसमें ज़्यादातर आप इस टाइम के अपने घर में होते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने अंदर कोई अच्छी पॉजिटिव तब्दीली लाना चाहते हैं। तो अब आपने बर्दाश्त कैसे करना है, इसके कई टूल्स हो सकते हैं। देखिए, जब मैं बर्दाश्त करने की बात कर रही हूँ, जब मैं फॉरगिवनेस की बात कर रही हूँ, तो बाज़ औक़ात हमारी सोसाइटी में क्योंकि ख़वातीन के एंगल से बाज़ रिलेशनशिप इतने अब्यूसिव होते हैं, ख़ासतौर पर मैरिटल रिलेशनशिप इतना अब्यूसिव हो सकता है कि बाज़ औक़ात जब इस टॉपिक पर बात की जाती है तो उनको बैलेंस समझ नहीं आता कि अगर मिसाल के तौर पर एक औरत का शौहर उसको बुरी तरह से जिस्मानी तौर पर मारता है, उसके साथ अब्यूसिव है, ना सिर्फ ज़ुबान का अब्यूसिव है बल्कि उसके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद भी करता है, तो क्या मैं इस टॉलरेंस की बात वहाँ पर भी अप्लाई कर रही हूँ? नहीं, मैं वहाँ नहीं अप्लाई कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब्यूसिव रिलेशनशिप्स, खासतौर पर जहाँ पर औरत को गलती का निशाना बनाया जाता है और उसका कोई कसूर नहीं होता, मैं उस जगह की बात नहीं कर रही। मैं आपको एक जेनरिक उसूल दे रही हूँ बाकी रिलेशनशिप्स में। इस्लाम ने आपको और मुझे बिल्कुल क्लैरिटी दी है, क्या इस्लाम इनजस्टिस को अप्रूव करता है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम हमें ये बताता है कि आपने जुल्म को रोकना और इंसाफ को डिवेलप करना, इसको ईमान का हिस्सा बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि जब तुम किसी मुनकर को देखो, जब तुम किसी ज्यादती को देखो, जब तुम किसी बुराई को देखो तो उसको अपने हाथ से रोको, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से उसको बुरा कहो, और अगर जुबान से उसको बुरा नहीं कह सकते तो एटलीस्ट हेट इट इन योर हार्ट। और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़े करती है कि आपका और मेरा ईमान का हिस्सा है कि हम नाइंसाफी के साथ ही ना बने, चाहे वो नाइंसाफी आपके साथ हो रही है, आपकी औलाद के साथ हो रही है, या माशरे के किसी भी इंसान के साथ हो रही है। ये बात नहीं है, मिसाल के तौर पर आप ये अपने जहन में रखते हैं कि हमने एक रिलीजन के अंदर ये बात सुनी कि टर्न द अदर चीक, जब कोई तुम्हें एक गाल में थप्पड़ मारे, दिस इज़ नॉट आर रिलीजियस डॉगमा, टर्निंग द अदर चीक ये हमारा नहीं है कि जब तुम्हें एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो ऑफर द सेकंड वन, लाइन जी आप दूसरे पे भी मार दें, इट्स लाइक बिकमिंग अ पंचिंग बैग, दिस इज नॉट इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम क्या आता है कि अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो
या मजनू, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मजलूम की मदद करना तो समझ आता है, व्हाट अबाउट जालिम, जालिम भी कैसे मदद करे? तो क्या कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जालिम को उसके ऑपरेशन से रोको, उसको मना करो। और ये एक मुसलमान का स्ट्रॉन्ग माशरे का हिस्सा होना मेंशन करता है। हम लोगों के घरों और खानदानों में एक पॉलिटिक्स चल रही होती है, आपको पता चल जाता है कि फलां फलां पर ज्यादती कर रहा है। हम बोलते हैं, हम कहते हैं नहीं, उनका आपस का मामला है, लेट देम फाइट, मुझे क्या जरूरत है बीच में आने की, लेट मी बी अ न्यूट्रल पर्सन, मैं तो अच्छी बनूं, मुझे क्या जरूरत है किसी के झगड़े में आने की। जब आप और मैं ये करते हैं, इसका मतलब है कि आपको और मेरा ईमान का कमजोर तरीन दर्जा भी नहीं है, बिकॉज हम दिल में बुरा भी नहीं जान रहे हैं। हम तो कह रहे हैं लड़ने तो आपस में दोनों लड़ते हैं तो लड़े, मैं क्यों दरमियान में आऊँ, ये वाला मामला है। तो अभी हमें अपने इस्लाम पर बहुत ज्यादा अमल करने की जरूरत है। तो याद रखें, इस्लाम इज नॉट अबाउट टर्निंग योर अदर चीक। कभी कभी इस्लाम आपको ये भी बता देता है कि इट्स नॉट अबाउट गिविंग अ सेकेंड चांस, लेकिन ये हर रिलेशनशिप पर अप्लाई नहीं करेगा। अगेन, अगर किसी औरत के साथ अब्यूसिव हस्बैंड है तो फिर उसको चाहिए कि उसको बार बार माफ करके सेकेंड चांस मत दे कि ठीक है मैं आपको माफ करती हूँ, एंड आई एम गिविंग यू परमिशन, डू वट एवर यू वॉन्ट विद मी, इट्स नॉट लाइक दिस। टॉलरेंस लेवल हम इस टॉपिक में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने यही क्लियर कर दिया है। इस मामले में औरत को चाहिए अपने घर के बड़ों को इन्वॉल्व करें, उनसे बात करें। हाँ, घर के उन बड़ों को इन्वॉल्व करें जिनको हिकमत आती हो, जिनके पास बुजुर्गी हो। बुजुर्गी के लिए उम्र जरूरी नहीं होती, बूढ़ा हर कोई हो जाता है, बुजुर्ग सब बनता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बूढ़ा एंड बुजुर्ग। बूढ़ा तो एज के साथ होता है, और बुजुर्गी जो आती है वो इल्म और हिकमत के साथ आती है। तो अल्लाह से दुआ करें कि खानदान में अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है जो आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, तो फिर ऐसी खातून उनको चाहिए कि वो उन बड़ों से मशवरा करके अपने लिए जो भी उनको मेजरिंग स्टेप्स लेने हैं वो लें। मैं जो बात करने जा रही हूँ, इट हैज नथिंग टू डू विद अब्यूसिव रिलेशनशिप्स। चाहे वो अब्यूसिव रिलेशनशिप जो है वो खुदा ना खास्ता किसी रहमी रिश्तों में हो रहा हो, बहन भाइयों में हो रहा हो, चाहे वो माँ बाप की तरफ से औलाद पर या औलाद की तरफ से वालिदैन पर हो रहा हो, या वो शोहर की तरफ से बीवी या बीवी की तरफ से शोहर पर हो रहा हो। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर रही, ये बिल्कुल अलग मामला है। इसको टॉलरेंस और ग्रजेस से इस वक्त एक तरफ रखना होगा, ये एक अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर डील किया जा सकता है। मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश करना चाह रही हूँ वो असल में इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़ात का बदला नहीं लिया। ये आपको उसूल मिलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। आपने जहाँ आपके हेड ऑफ द स्टेट होने की बात आएगी वो आपका एक अलग स्टेटस है, लेकिन आपने अपनी ज़ात का कभी बदला नहीं लिया। और इसकी कई मिसालें आपको सीरत के अंदर मिलते हैं। हमने बचपन से एक बात सुनी है, एक तो मैंने आपसे कहा ना, हमने बचपन से सुना है कि माफ़ करना आला ज़र्फ़ी होती है। फिर मैंने आपसे कहा जब हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते तो सिर्फ क्या होता है कि हम अपने दिल के अंदर ग्रजेस पाल रहे होते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं बियॉन्ड ग्रजेस, यानी ग्रजेस को निकालने के बाद इवन देन यू कैन फाइंड पीस। अगर आप अपने दिल को ग्रजेस से पाक करेंगे, सिर्फ उस सूरत हाल में आपको अमन, कॉन्टेंटमेंट, पनाह, सुकून, हारमनी नसीब हो सकता है। जब साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं, जब एजुकेशनिस्ट ये कह रहे हैं, जब इस्लाम ये कह रहा है, तो फिर आपको और मुझे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो जैसे हमने ये सुना कि माफ़ करना आला ज़र्फ़ी है, ऐसे ही हमने हमेशा से बचपन से एक जुमला किताबों में पढ़ा, ट्रीट अदर एज यू वॉन्ट टू ट्रीट देम। आप दूसरों को वैसे ही डील करें जैसा आप चाहती हैं कि वो आपको डील करें। हमने ये बात पढ़ी, इट्स अ गोल्डन रूल, एजुकेशनिस्ट कहते हैं इट्स अ गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। लोगों को वैसे डील कीजिए जैसा आप चाहती हैं कि लोग आपको डील करें। नाउ आई एम गिविंग यू अ प्लैटिनम रूल, मैं इसको चेंज करें, ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक दैट अल्लाह शुड ट्रीट यू। समझ आया? लोगों को ऐसे ट्रीट करें कि जैसा आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको रोजे मेशर वैसा ट्रीट। और आप और मैं जी, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात आपने कही। हदीस का मफहूम आता है, ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जज़ाकअल्लाह।
ये क्या मतलब है कि आप और मैं लोगों को वैसा डील करेंगे जैसा हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ मामला करे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसका उसूल आपको अहादीस के साथ साथ कुरान में भी मिलता है। जब आप ये सोचेंगी कि आपने लोगों को डील करना है जैसा आप चाहती हैं कि अल्लाह आपको डील करें, तो आपको एक वाकया मिलता है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो वाकया आपको कुरान के अंदर भी मौजूद मिलता है। वाकया इफ़्क़ को हम जानते हैं, हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा के ऊपर तोहमत लगाई गई थी। वाकया इफ़्क़ में हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा के बारे में बहुत र्यूमर्स मदीना में फैले। मुनाफिकीन सबसे पहले थे उन र्यूमर्स को फैलाने में, बास कमज़ोर ईमान के मुसलमान भी उसमें शामिल हो गए। अब हज़रत आयशा पर बहुतान लग रहा है। हज़रत आयशा किसकी बेटी थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु। आयशा रदी अल्लाहु अन्हा पर जो र्यूमर्स उड़ रही थी और जो बहुतान लग रहे थे, उन बहुतानों को लगाने में एक शख्स था। जो शख्स मुसलमान था, यकीनन कमज़ोर ईमान वाला था, मुनाफिकीन की बातों में आ गया था, और वो हज़रत आयशा पर तोहमत लगा रहा था या उस र्यूमर को फैला रहा था। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक का रिश्तेदार था, रिलेटिव था। ना सिर्फ ये हज़रत अबू बकर का रिश्तेदार था, बल्कि ये वो शख्स था जिसकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक फाइनेंशियल सपोर्ट किया करते थे। अब आप सोचें हज़रत अबू बकर को कितना गुस्सा आया होगा कि उन्हीं की बेटी के ऊपर जो है वो बहुतान लगाया जा रहा है, और लगा भी कौन रहा है, वो जिस पर कॉन्स्टेंटली हज़रत अबू बकर एहसान का मामला करता है। हज़रत अबू बकर को यकीनन इंसान होने के नाते गुस्सा आया होगा। आपको क्या लगता है सहाबा को गुस्सा आता था? हज़रत उमर रदी अल्लाहु अन्हु का गुस्सा हम सब जानते हैं, क्या हज़रत अबू बकर को गुस्सा नहीं आता था? हज़रत अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु को गुस्सा आता था, लेकिन वो गुस्सा ज़ुबान तक नहीं आता था। गुस्सा आया, और उस गुस्से की वजह से उन्होंने क्या स्टेप लिया कि उन्होंने फैसला किया कि अब इस शख्स की फाइनेंशियल सपोर्ट हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोक देंगे। और इधर हज़रत अबू बकर ने ये फैसला किया, अभी रोकी नहीं है, इधर फैसला किया उधर सूरह नूर में आयत नाजिल हो गई। और आयत क्या नाजिल हुई? क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह भी तुम्हारी मगफरत और बख्शिश फरमा दे? आप देखिए अल्लाह ताला ने किस खूबसूरती से हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हिदायत दी, और उनके थ्रू हम सबको हिदायत दी। बर्दाश्त का उसूल सूरह नूर की इस आयत से आपको और मुझे मिलता है। और वो बर्दाश्त का उसूल सूरह नूर की ये आयत क्या दे रही है? हज़रत अबू बकर को ये नहीं कहा कि तुम दिल में बुरा मत जानो। क्या कहा गया था? कि माफ़ कर दो और चश्मपोशी करो, मतलब कंटिन्यू योर फाइनेंशियल सपोर्ट। तुम्हें गुस्सा आ सकता है, तुम हर्ट हुए हो, तुम्हें तकलीफ हुई है, बट कंटिन्यू योर फाइनेंशियल सपोर्ट। और अल्लाह ताला ने कहा माफ़ कर दो, क्यों? इसलिए कि वो जो आपका भतीजा या वो जो आपका रिलेटिव है वो बहुत अपोलोजेटिक हो रहा है, माफ़ी मांग रहे हैं, सो सॉरी। नहीं, अल्लाह ताला ने इस पूरी इक्वेशन में से इंसान को तो हटा ही दिया। अबू बकर से कहा दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी, बंदे और अल्लाह के दरमियान का ट्रांजेक्शन बन गया। माफ़ कर दो, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह भी तुमको माफ़ कर दे? आपके लिए लोगों को माफ़ करना पॉसिबल नहीं हो सकता अगर आपके सामने ये आयत ना हो। लोग ज्यादती करते हैं, लोग हर्ट करते हैं, लोग नुकसान पहुंचाते हैं, और बाज़ औक़ात लोग ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप और मैं कहते हैं ना, वो मेरी माफ़ी डिज़र्व ही नहीं करती, या वो मेरी माफ़ी डिज़र्व ही नहीं करता, मैं कैसे माफ़ कर दूँ? या हम कहते हैं वो अपोलोजेटिक ही नहीं है, सॉरी तो बोले, सॉरी ही नहीं बोल रहा, तो मैं कैसे माफ़ कर दूँ? ऐसे माफ़ कर दीजिए। आयत क्या बता रही है? लोगों को माफ़ करें इसलिए नहीं कि सामने वाले अपनी गलती पर बहुत सॉरी बोल रहे हैं, इसलिए माफ़ कर दें कि आपको और मुझे क़यामत के दिन अल्लाह की मग़फ़रत, अल्लाह की माफ़ी चाहिए। जो आप आज लोगों के साथ करेंगे वो रिफ्लेक्शन होगा उस चीज़ का जो क़यामत के दिन या दुनिया के मामलात में अल्लाह मेरे साथ करेगा। इससे आपके अंदर टॉलरेंस आ सकती है। दिस इज़ द की कि अगर आप और मैं ये समझ जाएँ कि अगर मुझे रिश्तों में बर्दाश्त को डिवेलप करना है, ग्रजिस से दिल को पाक करना है, तो मैं अल्लाह की खातिर लोगों को सिर्फ और सिर्फ माफ़ करूँगी। यह आपके अंदर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, और आपके अंदर इस चीज़ से इंशाल्लाह जो है वो बर्दाश्त की सलाहियत
बढ़ती जाएगी। ये अल्लाह ने एक डील दी है, सेल लगती है ना, जैसे अभी नवंबर आ रहा है, अब तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो फ्राइडे को जो सेल लगती है पूरी दुनिया में, वो तो पाकिस्तान में भी आ चुकी है, फिर लगेगी, या आपकी और हमारे जो जितने भी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े डिजाइनर ब्रांड सेल लगाते रहते हैं ना, बस खातन इतनी पसंद से इन कपड़ों को पहनती हैं कि जब सेल लगती है, और सेल सुबह 6 बजे खोलनी होती है, सुबह 6 बजे स्टोर खुलेगा। आई नो अबाउट द स्टोर इन लाहौर जो सुबह फजर के बाद अपना स्टोर खोलते हैं जब वो सेल लगाते हैं। बस खातन और उनके भाई और उनके शोहर उनके साथ पूरी रात मॉल के बाहर क्याम करते हैं, रमज़ान की ताक रातों में क्याम नहीं होता उनसे, बट वो मॉल के बाहर क्याम करते हैं। हरम में जाते हैं तो बस उमरा कर लिया, बस बड़ी गर्मी है, अब चला नहीं जाता, हम उसे तवाफ नहीं कर सकते एक्स्ट्रा, हम बट पूरी रात मॉल का तवाफ हो रहा होता है, क्योंकि उस टाइम भी तो गुजारना है मॉल का, उस डील को लेने के लिए, इसे चंद कितने चंद हजार बचाने के लिए कि 10,000 का सूट हमको 5,000 में मिल जाएगा, चंद हजार बचाने के लिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको और मुझे डील्स अपील करते हैं, अच्छी लगती है ना। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि जो जो या जिसने यहाँ दर्द सुना उसको बाहर निकलते हुए कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई नहीं मिलने वाला, मैंने ऐसे बाय द वे कह दिया है, लेकिन एक इंसेंटिव है ना, देखिए सब मुस्कुरा दिए, आपको अच्छा लगा, दिस इज एन इंसेंटिव। इंसान की साइकोलॉजी के अंदर ये चीज़ है कि जब इंसान को डील्स का बताया जाता है, जब इंसान को इस तरह के गिफ्ट्स का पैकेजेस का बताया जाता है, ये कर लो ये मिलेगा, ये कर लो ये मिल जाएगा, तो इंसान काम करते हैं। सूरह नूर की इस आयत में भी तो एक डील मौजूद है, इज इट अ डील, और ये डील ऐसी है, सना सफीनास की सेल तो आपको साल में 2 दफा मिलेगी ब्लॉकबस्टर से, ब्लैक फ्राइडे आपको जो है साल में 1 मरतबा मिलेगा, लेकिन ये वाली डील आपको घर में रहते हुए हर दिन मिल सकती है, ऐसा है कि नहीं है? सारा दिन में 24 घंटे में कोई तो ऐसा बंदा अल्लाह का होगा उनके आस पास जो आपको सब्र का मौका देता होगा, और आपने अगर हर हफ्ते में 1 मरतबा या हर दिन में 1 मरतबा सामने वाले की गलती को माफ कर दिया, माफ क्यों किया, यू विल सी कि आपने उसको कैसे डील करना है, मेरा उसूल याद है ना, फोकस ऑन गुड एंड डील विद बैड। अगर आपने उस पर फोकस रखा कि आपने कैसे इसकी गलती को माफ करना है, देखिए एक होता है जुबान से इकरार करना मैंने माफ कर दिया, बट इट्स नॉट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। आजकल लोग आपके साथ इतनी ज्यादती करते हैं, आप कहते हैं शायद मैं मुनाफिक हूँ, जुबान से तो मैंने माफ कर दिया है बट मेरे दिल में तो बहुत गुस्सा है, इट्स ओके, ये मुनाफिकत नहीं होती, ये ऐन ईमान है। आपने किसकी खातिर, जब आपके दिल को इतना दुख पहुंचा है कि सामने वाले ने आपको इतनी तकलीफ दी थी कि तकलीफ आपके दिल में अभी भी मौजूद है, लेकिन आपकी जुबान ने इकरार किया, आपकी जुबान ने इकरार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से किया, इट्स ओके अगर दिल दुखता है, दोबारा ख्याल आता है, इट्स ओके। टाइम लगता है, जितना इंसान उस चीज़ को अपने जहन से बार बार हटाता है, वक्त के साथ साथ इंसान जो है उस गम को हल्का पाता है, अल्लाह ने इंसान बनाया इसे, लेकिन अल्लाह ने यहाँ एक डील दी है, वल्याफू वल्यस्फहू अलातुहिब्बून अल्लाह अन यग़फिरल्लाहु लकुम, माफ कर दो, सफा पलट दो। सफा पलटने का मतलब क्या होता है, यस्फहू सफा से है, सफा कहते हैं टर्न द पेज, स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, जो कल हो चुका उसको खत्म कर दीजिए। अगर आपने ये नहीं किया तो याद रखें आपका दिल हर वक्त भारी रहेगा, आपके दिल के अंदर ये जो बोझलपन है, जो इमोशनल डैमेज है, ये इमोशनल डैमेज आपके दिल तक नहीं रहता, ये आपके दिमाग में जाता है, और जब ये आपके दिमाग में पहुंचता है ये आपको मेंटल स्ट्रेसेस का शिकार करता है, जब ये आपको मेंटल स्ट्रेसेस का शिकार करेगा तो ये सिर्फ आपका इमोशनल डैमेज और मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता, यह आपके फिजिकल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। दिस इज़ अ ह्यूमन साइंस। हम कहते हैं ना कि आजकल इतनी बीमारियाँ क्यों हैं, नाउ कम बैक ऑन दिस टॉपिक, आजकल इतनी बीमारियाँ इसलिए हैं ड्यू टू ऑल अदर फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर हम अपने दिल में बहुत कीना बोग्स और ग्रजेस रखते हैं, हम लोगों को आसानी से माफ़ नहीं करते। पहले ज़माने के लोग लोगों को आसानी से माफ़ करते थे या मुश्किल से माफ़ कर दिया करते थे, पहले दौर के लोग जाकर देखिए आपने पूछे अगर आप अल्लाह ताला ने आपकी नानी या दादी को हयात रखा हो, बहुत आराम से माफ़ कर देते थे, हमसे माफ़ी लोगों को आसानी से दी जाती है। जब हम लोगों को आसानी से माफ़ नहीं कर सकते तो फिर हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग तुम्हें माफ़ी नहीं करते हैं, कितने सख्त दिल लोग हैं आजकल, दूसरों के लिए कहना कितना आसान होता है, आईने के सामने खड़े होकर अपने ज़ात से पूछेंगे तो मेरे लिए भी लोगों को माफ़ करना आसान नहीं होता,
इट्स ओके अगर अब तक ये किया है. अच्छा इंसान कौन होता है? अकलमंद इंसान कौन होता है? जो अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखता है. आज के बाद उसूल अपना लें. मैं लोगों को डील करूंगी, जुबान से लोगों को ज़रूर माफ़ कर दूंगी, अल्लाह से मदद मांगूंगी कि अल्लाह वक्त के साथ साथ मेरा दिल भी उस गुस्से से बिल्कुल पाक कर दे, सिर्फ अल्लाह की खातिर. इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरा रब मुझे क़यामत के दिन माफ़ कर दे. मैं चाहती हूँ कि मेरा रब मेरी गलतियों पर मुझे दुनिया में ना पकड़े. मैं चाहती हूँ मेरा रब मेरे साथ वैसा ही मग़फ़रत का मामला करे जैसा कि मैंने इस वक्त हिम्मत करके अल्लाह की खातिर इस मग़फ़रत का मामला किया है. तो ये एक डील है जिसको अल्लाह ताला ने मेरे और आपके सामने रखा है. और अल्लाह की इस डील पर कोई प्राइस टैग है? अल्लाह की मग़फ़रत में कितने हज़ार बचना है? बिल्कुल, इसका अजर ऐसा है कि जो बताया नहीं जा सकता. इस पर कोई प्राइस टैग आप और मैं नहीं लगा सकते. आपके और मेरे जिस्म पर कोई प्राइस टैग नहीं लग सकता कि ये मेरे और आपके लिए प्राइसलेस ब्लेसिंग्स हैं. तो ज़रा सोचें कि आपकी और मेरे लिए अल्लाह की मग़फ़रत प्राइसलेस डील है. क़यामत के दिन कोई इंसान अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा. अगर अल्लाह ने मुझे मग़फ़रत दे दी, अगर अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैंने दुनिया में लोगों की गलतियों पर उनको इग्नोर किया था, माफ़ किया था, हिकमत का मुजाहिरा किया था, अपनी ज़ुबान से उनके जिस्म पर छाले नहीं डाले थे, तो क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत इंशाल्लाह मुझे जन्नत में लेकर जाएगी. सहाबा ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जब आपने कहा कि अल्लाह की रहमत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, तो सहाबा ने कहा कि आप भी? क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हाँ मैं भी. अल्लाह की रहमत के बगैर तो मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता. इसका मतलब है कि हम सब कॉन्स्टेंट मोहताज हैं इस बात के कि हमें अल्लाह की मग़फ़रत मिले. अब आज के बाद दिल बड़ा कीजिए, आला ज़र्फ़ी अपनाइए, लोगों को माफ़ करें. लेकिन जब आप लोगों को माफ़ करें तो इक्वेशन में से आपको निकालना किसको है? लोगों को ही निकालना. लोगों को मैं क्यों माफ़ करूँगी? बिकॉज आई वॉन्ट अल्लाह फॉरगिवनेस, चाहे वो दुनिया में मिले मुझे या वो मुझे आखिरत में भी मिल जाए, मल्टीप्लाई हो. तो एक आपकी और मेरे लिए टॉलरेंस डिवेलप करने का इंसेंटिव है लोगों को माफ़ करना, ताकि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे. और मैं आपको क्यों बता रही हूँ इस, अगर हम इस चीज़ को अपने जहन में रखें, एक वाकया मैं आपको बताऊँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी जेन्युइन गलती पर लोगों को माफ़ किया करते. आप और मैं लोगों को सिर्फ इसलिए माफ़ नहीं करते कि उन्होंने वाकई हमें तकलीफ़ दी होती है, उन्होंने वाकई बड़ा ब्लंडर किया होता है कि जिसको अगर आप चीख चीख कर दुनिया को बताएं तो दुनिया आपको तारीफ करे और उन पर थू थू करे. ऐसा होता है कि नहीं होता? हम सबके पास ऐसी मिसालें होंगी तो सबके साथ रह रहे. जी 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 सब ऐसा होता है. लेकिन जहाँ जेन्युइन गलती हो किसी की, उसको माफ़ कर देना जबकि आपके पास ताकत थी कि आप बदला लेते, इस पर अल्लाह की मग़फ़रत मिलती है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में गए हैं मदनी दौर के बाद, जब फतह मक्का हुई है, तो आप एक विक्टर बनके फातह बनकर मक्का में दाखिल हो रहे थे. आपको वो पूरा सिनेरियो याद है ना, निफाक पे मदीना कैसा हुआ था? मुसलमान एक होल्डिंग पोजीशन पर आ गए थे, एक अपर हैंड था मुसलमानों का. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मक्का में ऐसे दाखिल हुए कि कोई खून नहीं बहा, कोई ब्लड शेड नहीं हुआ और मक्का कॉन्कर हो गया. इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में बैठकर मक्का जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और फतह मक्का. और इधर एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातिब बिन अबी बल्ता, जिनकी फैमिली अभी मक्का में मौजूद थी क्योंकि उनके वहाँ एसेट्स और जायदाद और वहाँ कुछ उनके बीवी बच्चे पीछे रह गए थे. एक जर्मन सहाबी, मुनाफिकीन में से नहीं थे, हातिब बिन अबी बल्ता मुनाफिक नहीं थे, मदीना में मुनाफिक मौजूद थे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन के नाम बता दिए गए थे. हातिब बिन अबी बल्ता मुनाफिकीन में नहीं थे, मोमिनीन में से थे. हातिब बिन अबी बल्ता को जब ये ज़ाहिर है महफिल में बैठते थे, रसूलुल्लाह स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, प्लानिंग हो रही है कि हमने किस तरह से मक्का में दाखिल होना है और फिर वो हमारे लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है विक्ट्री का मामला करेंगे. जब इनको पता चलता है कि अब मुसलमान जो हैं वो साइलेंटली मक्का की तरफ बढ़ेंगे, तो इनको डर होता है कि जो मेरी वहाँ फैमिली है कहीं उसको नुकसान ना पहुँचे, तो मैं पहले से बता देता हूँ वहाँ पर मौजूद लोगों को कि रसूलुल्लाह मक्का आने की तैयारी कर रहे हैं, और मक्का वालों को बताता हूँ और कहता हूँ कि मैंने ये बात बताई है इन रिस्पांस मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन में. डील कर रहे हैं ना, एक
हाथी पे नबी बोलता है ये खत लिखते हैं और एक औरत के हवाले कर देते हैं कि ये तुम जाकर मक्का में फलां शख्स को दे दो। अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता देते हैं कि इस तरह से एक औरत खत लेकर रास्ते में मक्का की तरफ जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो कबील पावरफुल सहाबा को बुलाते हैं, उनमें से एक हजरत अली रजी अल्लाह अन, और ये नरेशन अहदीस की किताबों में आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन से ही रिवायत की हुई मिलती है। आप हजरत अली रजी अल्लाह अन को बुलाते हैं और साथ में जुबैर इब्ने अवाम रजी अल्लाह अन को बुलाते हैं, दोनों अशरा मुबशरा में से सहाबी हैं और दोनों ताकतवर सहाबी थे, वॉरियर की तरह जंगों में हिस्सा लेने वाले। आप इन दोनों को बुलाते हैं और उनको एक डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि तुम मक्का की तरफ ट्रैवल करो, मदीना से इस मुकाम पर पहुंचोगे। आप पूरी उनको तस्वीर बताते हैं, ये मुकाम होगा, इस रंग का ऊंट होगा, ऊंट का कद इतना होगा, उस पर इस कलर के कपड़े पहने हुए एक औरत होगी, उसका गेटअप ये होगा, उसके पास एक खत है, वो लेकर आओ। ये दोनों सहाबी अपने घोड़ों पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उस जगह पहुंचते हैं। हज़रत अली कहते हैं अपनी इस रिवायत में, इस नरेशन में, कि एग्जैक्टली जैसी पिक्चर रसूलुल्लाह ने हमें बताई थी, उसी गेटअप की औरत, उसी साइज का ऊंट, उसी रंग का ऊंट और उसी इलाके के अंदर हमें ये औरत, उसका ऊंट मिल जाता है। हज़रत अली और जुबैर इब्ने अवाम उस औरत को रोकते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास एक खत है, वो हमें दे दो। औरत कहती है मेरे पास तो कोई खत नहीं है। हज़रत अली कहते हैं कि देखो खत दे दो, अल्लाह के रसूल झूठ नहीं बोल सकते, खत दे दो वरना मुझे और जुबैर को तुमको सर्च करना पड़ेगा। तो वो औरत कहती है मेरे पास कोई खत नहीं है। ये दोनों सहाबी उस औरत को ऊँट से उतरने का कहते हैं और पूरे ऊँट को सर्च करते हैं कि खत मिल जाए, खत नहीं मिलता। फिर हज़रत अली कहते हैं कि मैं तुम्हें फाइनली बता रहा हूँ, खत दे दो वरना हमें दोनों को तुम्हें सर्च करना पड़ेगा। तो फिर इसके ऊपर वो औरत अपने अबा में से खत निकाल कर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ में दे देती है। हज़रत अली ये खत लेकर वापस मदीना आते हैं। जब आप मदीना पहुंचते हैं खत लेकर, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक महफिल में मस्जिद नबी में बैठे होते हैं और उसी महफिल में हातिब बिन अबी बलता भी बैठे होते हैं। हज़रत अली खत लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं हातिब बिन बलता की क्या हालत हो रही होगी। आप सोचें, सहाबी रसूल हैं और तमाम सहाबा, जितने कबायर सहाबा हैं और जितने बाकी सहाबा हैं, वो इस महफिल में बैठे ये बात सुन रहे हैं। तो ये तो एक खुली ट्रीजन थी, गद्दारी थी ना एक तरह से, मुसलमान स्टेट के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, पूरी मुसलमानों की इस वक्त जमात के खिलाफ खुला ट्रीजन था। सब सहाबा सुनते हैं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त अथॉरिटी थी कि उन सहाबी को एग्जीक्यूट कर देते, अपने सहाबा से कहकर ख़त्म करवा देते? इट वॉज अ ओपन ट्रीजन। एज अ स्टेट हेड आपके पास पूरी गुंजाइश थी कि आप कहते कि इनको फौरन एग्जीक्यूट कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खत पढ़ते हैं, हातिब भी सुनते हैं और तमाम सहाबा सुनते हैं। इट्स अ जेन्युइन गलती। मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, जब आपके सामने लोग जेन्युइन गलती के साथ हों और हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती माफ़ करने की, बिकॉज हमें उनके ऊपर गुस्सा इतना होता है कि उन्होंने डैमेज इतना किया है, हाउ कैन आई फॉरगिव दिस पर्सन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत पढ़ते हैं और पूरे ग्रोह, पूरी महफिल के सामने ये वाजे हो जाता है दैट वॉज ये खत हातिब ने भेजा था, तो आप हातिब की हालत का अंदाज़ा लगा सकती हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हातिब को मुखातिब करके कहते हैं, हातिब तुमने ये क्यों किया? इंटेरोगेशन के अंदाज में जब आप हदीस पढ़ते हैं तो आपको जो अरबी के अंदाज और अल्फाज मिलते हैं, इंटेरोगेशन करते हुए नहीं पूछा रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था कि तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुनाफिक नहीं हो, तुमसे ये हरकत कैसे हो गई? तो सिर्फ हज़रत हातिब बिन अबी बलता की ज़ुबान से निकलता है, या रसूलल्लाह ला ताअजल इलैया, मेरे मामले में जल्दी ना कीजिए, यानी मैं मजबूर हो गया था, मेरी फैमिली वहाँ पर थी, कमज़ोर थी और मुझे डर हुआ कि मेरे बच्चे मुसलमान हैं तो कुरैश उनको फतह मक्का के बाद कहीं मार ना दें, तो मैं मुझसे ये अमल हो गया। जब हातिब बिन अबी बलता ने ये अपनी एक्सप्लेनेशन दी तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्होंने सच कहा,
صدقہ لا تقول له الا الخير اور اپنے باقی صحابہ کو آپ نے نصیحت کر دی لا تقول له الا الخير حاطب کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ مت کہنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان حضرت زبیر بن عوام اور حضرت علی موجود ہیں وہاں پہ حضرت علی اور حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے کھلا ٹریزن کیا آپ ان کو کیوں معاف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا یہ بدری صحابی نہیں کیا یہ بدر میں تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا اللہ نے آیات نازل نہیں کی بدری صحابہ کے لیے کہ اب آج کے بعد تم جو بھی کرو تمہیں معافی ہے میں حاطب بن ابی بلتا کو معاف کرتا ہوں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالی و رسولہ اعلم اللہ تعالی اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے آپ نے بھی معاف کر دیا اور تمام صحابہ نے معاف کر دیا جب اللہ کے رسول اتنی بڑی غلطی کو معاف کر سکتے ہیں آپ ہمیں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے ہم کیوں اتنا جابر بن جاتے ہیں جابر بن جاتے ہیں نا ہم کہتے ہیں نہیں میں معاف نہیں کر سکتی بعض اوقات لوگ آپ سے معافی مانگ بھی رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں میں معاف نہیں کر سکتے آپ اور میں جس لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں وہ لیگیسی جانوروں کی نہیں ہے آپ اور میں ایپس نہیں بنے آپ کی اور میری لیگیسی میں انبیاء اور رسول ہیں آپ اور میں جس امت سے جڑے ہوئے ہیں اس امت کا لیڈر سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا تھا آپ اور میں جس امت کو سمجھ کر اپنا جس کے بھروسے اور جس کی شفاعت کے لیے ہم آج دنیا میں بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ روز محشر اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے کیسے جسٹیفیکیشن ملے گی اتنی سخت دلی کے ساتھ اتنی تنگ دلی کے ساتھ اتنی کم ظرفی کے ساتھ ممکن نہیں ہو سکے گا معاف کریں لوگوں کو اور اگر آپ سے لوگوں کو آسانی سے معاف نہیں کیا جاتا جسٹ تھنک فار فیو سیکنڈس آپ آج جیسے لوگوں کو ڈیل کریں گے اٹ ول بی دا ریفلیکشن کہ اللہ آپ کو کیسے ڈیل کرے اگر آج میں لوگوں کو آسانی سے معاف نہیں کر سکتی آل تو میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کی غلطی ہوگی اگر آپ کی غلطی ہے کھلے دل کے ساتھ سوری بولنا سیکھیے غلطی ہو جائے کھلے دل سے سوری بولیے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسٹ ڈیفیکلٹ فائیو لیٹر ورڈ جو انسان کی زبان سے نہیں نکل رہا سوری ایس او آر آر وائی جب آپ کی غلطی ہو فوراً سوری بولیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی غلطی ہو آپ فوراً سوری بول دیں اس کا مطلب ہے آپ عقل مند انسان ہیں اور آگے مذاق کرنے لگے بات میں ایسی بات اور کہتے ہیں جب آپ کی غلطی نہ ہو تو آپ سوری بولیں تو اس کو شوہر دے دیں اٹس اے جوک مجھے ہمیشہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں ایسے شوہر کہاں پائے جاتے ہیں ذرا کوئی ڈھونڈ کے تو بتا دیں پر میں آپ کی تو مذاق کی بات ہی ہوں جب آپ کی غلطی اور آپ سوری بولیں اس کا مطلب ہے آپ عقل مند اور جب آپ کی غلطی نہ ہو صرف اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے آپ سوری بولیں اس کا مطلب ہے آپ مومن ہیں تو سمپل ایکویشن اس لیے کہ آپ کو اللہ کی مغفرت چاہیے آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے آپ کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کے ذریعے پل صراط سے آسانی سے سموتھلی کراس ہونا چاہیے دس از اے سمپل تھنگ اگر میں لوگوں کو آج معاف نہیں کر سکتی اگر نئے لوگوں کے ساتھ ہارش ہوتی ہوں تو میں یہ بات سوچ لوں دس از بیکمنگ ڈینجرس ناؤ اس کا مطلب ہے قیامت کے دن اللہ بھی میرے ساتھ ہارش بھی ڈیل کرے گا اور جس کے ساتھ اللہ ہارش بھی ڈیل کرے گا وہ بچ سکے گا وہ کبھی نہیں بچ سکتا تو مجھے اور آپ کو اپنے لیے بہت سے انسینٹیو اکٹھے کرنے ہیں لوگوں کو معاف کرنا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کی رحمت مجھے اور آپ کو کانسٹنٹلی چاہیے کانسٹنٹلی چاہیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرنے والا بنائے ایک اپنا اصول اپنائیں لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کیجیے ان کی برائیوں کو ڈیل کیجیے دوسرا اصول اپنائیں لوگوں کو معاف کیجیے اس لیے کہ آپ کو اللہ کی معافی چاہیے تیسرا اصول اپنا یہ اپنائیے لوگوں کو معاف کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو آزاد کر سکیں کیا کہا میں نے لوگوں کو معاف کیجیے تاکہ آپ اپنے آپ کو آزاد کر سکیں
ताकि आप एक फ्री इंसान, लिबरेटेड इंसान बन सकें। ग्रजेस के लिए कहते हैं, होल्डिंग अ ग्रज इज लाइक ड्रिंकिंग अ पॉइजन। दिल में ग्रज रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने जहर पी ली एंड देन वेटिंग फॉर अदर पर्सन टू डाई। जहर आप पी रहे हैं और सामने वाले का इंतजार कर रहे हैं कब मरेगा। जहर वो पिए और आप उसके मरने का इंतजार करें तब तो समझ आती है कि तो हॉलीवुड की मूवी बन गई। बट इट्स अ फैक्ट, आपको किताबों में ये रूल मिलता है, असल में जो आपके दिल के अंदर गुस्सा होता है किसी इंसान के लिए, ये आपको अंदर से दीमक की तरह खा रहा होता है। होल्डिंग अ ग्रज इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड वेटिंग फॉर अदर पर्सन टू डाई। जो जहर पिएगा वो मरेगा, सामने वाले को तो कुछ नहीं होने वाला। आपका गुस्सा आपके नर्व्स को टेंस रखता है, आपका बीपी हाई करता है, आपके सर में दर्द करता है, आपको परेशान रखता है, सामने वाला अपनी जिंदगी में मगन रहता है। अपने आप को आजाद कीजिए लोगों के अंदाज से, लोगों के इमोशनल एटीट्यूड से। और ये आप सिर्फ उस वक्त कर सकती हैं जब आप प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस पर रहेंगे। क्यों लोगों से परफेक्ट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम? उनको चाहिए मेरे साथ ऐसा करें, इसको चाहिए मेरे साथ ऐसे बात करें, उसको चाहिए मेरा मामला ऐसे अदा करें। डोंट से दिस कहीं भी नहीं जुबान से, आज के बाद कहना छोड़ दें। लोग आपके मुताबिक सोचेंगे और बोलेंगे या अपनी अकल के मुताबिक सोचेंगे और बोलेंगे? हम सब जानते हैं कि वो अपनी अकल के मुताबिक सोचेंगे और बोलेंगे, लेकिन हम कहते हैं हाँ नहीं मगर बहन उनको चाहिए था ना वो ऐसा ना करते। हम कहते हैं ना इट्स ओके, अभी तक कहते थे ना, अब आहिस्ता आहिस्ता इसको कहना बंद करना है। फ्री योरसेल्फ, जिसने जैसे भी आपके साथ डील करना है करे, आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। आपके आसपास जो भी हालात और वाकयात होते हैं, जैसे भी कुछ दिन पहले मैं अपनी क्लास में ये बोल रही थी, तो मुझे बाद में, उस वक्त तो मैंने बोल दिया मगर बाद में मुझे पता चला उसका फीडबैक ये आया कि आज हमें तकदीर की बात समझ आ गई। छोड़ा अलहमदुल्ला मैंने तो बहुत आसान अल्फाज में एक बात कही थी जो मुझे समझ आती है। हम अक्सर रोते रहते हैं ना तकदीर का मामला, जब तकदीर में सब लिखा हुआ है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, जब तकदीर जो है वो ऑलरेडी लिख दी गई है तो फिर आज ये मेरा और आपका विल पावर का मामला क्या है। ये सब लिखा हुआ है कि आपने कहाँ पैदा होना था, कब पैदा होना था, आपने आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपका शौहर, आपकी औलाद, आपके इवन हालात, आपके सर्कमस्टांसेस, आपका सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, किस मुल्क में, किस शहर में, किस इलाके में, एवरीथिंग वाज रिटन, सब लिखा हुआ। यस, तो फिर अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ की? जिस घर में आपको पैदा किया, जिस शौहर की बीवी बनाया, जिन बहन भाइयों का हिस्सा बनाया, जिन हालात में आपको रखा, उसमें आपकी चॉइसेस क्या थी? आपके ऊपर जो भी सर्कमस्टांसेस आए, आपने उसमें क्या करना पसंद किया? खुशियां थी तो क्या आप इसे बाहर हो गए? इसकी अकाउंटेबिलिटी है। खुशियां थी तो अल्लाह की फरमा बरदार बन कर रही, इट वॉज योर चॉइस ना, आपके हाथ में होता है। किसी के ऊपर बहुत बड़े कोई परेशानी आ जाए, ऐसी परेशानी मिसाल के तौर पर कोई बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो गया, उसके बाद दो चॉइसेस होते हैं, आप रोता धोता रहे और कारोबार बंद कर दे, या और एनर्जेटिक होकर खड़ा हो जाए कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बदलूंगी या बदलूंगा और मैं नई टेक्निक के साथ कारोबार शुरू करूंगा और जो लॉस हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। दोनों चॉइसेस हैं, तो आपकी चॉइसेस आपकी अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करते हैं। अगर आपको मुझे ये समझ आ जाएगा तो फिर आप और मैं लोगों के जुमलों से नहीं टूटेंगे। लोगों ने यही जुमला आज के दिन इसी वक्त इसी मुकाम पर खड़े होकर बोलना था। आपका और मेरा काम क्या था? मैं उसमें रिएक्ट कैसे करूं, रिस्पॉन्ड कैसे करूं, इसके ऊपर मेरी अकाउंटेबिलिटी हो। सो नंबर 3, फ्री योरसेल्फ। लोगों से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखें। लोग अच्छा करते हैं अल्लाह की रहमत समझें, लोग बुरा करते हैं अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझें। नाउ द 4th है एंड द लास्ट है, अपने जहन में हमेशा इस बात को रखें। बास लोग कहते हैं, या हो सकता है आपके जहन में अभी ये बात आ रही हो, आप कहें कि अच्छा ठीक है मैंने समझ लिया कि मुझे अल्लाह की खातिर लोगों को माफ़ करना है, मान लिया। चलिए ये भी मान लिया कि मुझे अब ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने,
अगर आप ये बताएं कि फलां फलां ने तो मेरी जिंदगी खत्म तबाह कर दी, डैमेज तो हो चुका, अब क्या करूं, उन्होंने तो मेरी जिंदगी को रिवेंट कर दिया, बिल्कुल ही खंडर बना दिया, तो यही चौथा पॉइंट है मेरा। आपने सुना है ना कि लोग अक्सर सवाल करते हैं और यूथ बहुत सवाल करते हैं, और यूथ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस सवाल का जवाब प्रॉपरली ना मिलना, जिसकी वजह से हमारे मुसलमान बच्चे भी अपने दीन से डाउट्स का और शकूक और शुबहात का शिकार हो रहे हैं। द क्वेश्चन ऑफ सफरिंग, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, नेक लोगों के साथ जब लोग नेक होते हैं तो उनके साथ बुराइयां क्यों आती हैं, जब वो नेक हैं अल्लाह की बात मानते हैं तो उनको तो इनाम मिलना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सफरिंग। और जब इसका प्रॉपर जवाब नहीं मिलता तो आज आप देख रहे हैं हमारे अपने नौजवान, हमारे अपनी यूथ, हमारे बहुत से पढ़े लिखे मुसलमान वो इस्लाम पर शक करने लग गए इस वजह से कि why do bad things happen to good people? मेरा इस जुमले में जवाब एक है और वो क्या है, bad things never happen to good people. क्या कहा मैंने, bad things never happen to good people. आप कहें नहीं, हम तो बहुत से नेक लोगों को जानते हैं जिनके बड़े टफ लाइफ स्टाइल्स है, जिन पर औलाद की तरफ से आजमाइश आई, जिन पर कारोबार की आजमाइश आई, जिन पर रिश्तेदारों की तरफ से आजमाइश आई, जिन पर बीमारी की शक्ल में आजमाइश आई। आप कहें आई हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल, मैं फिर भी कहूँगी बैड थिंग्स नेवर हैपन टू गुड पीपल। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अजबन लिअम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला अजीब होता है, जब उसको नुकसान पहुंचता है सबर करता है तो ये इसके लिए खैर का बायस होता है, जब उसको आसानी पहुंचती है शकरा शुक्र करता है तो ये इसके लिए खैर का बायस होता है। लेकिन ये मामला सिर्फ मोमिन के साथ होता है, यानी एक्सटर्नली हो सकता है कि किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, एक्सटर्नली आप हर्ट हुई, एक्सटर्नली आपके ऊपर ट्रायल आई, एक्सटर्नली आपके ऊपर हार्डशिप आई, लेकिन उसका आउटकम विल ऑलवेज बी गुड। बाज दफा किसी बहुत टफ हालात में से निकलने के बाद एकदम से आसानी नजर आती है। एग्जाम्पल पेंसिल, जो लेड पेंसिल होती है सबके जहन में है ना, जिसको हम शार्पन करते हैं, अगर मेरे हाथ में पेंसिल हो और मैं उसको दो टुकड़ों में तोड़ दूँ, टूट जाएगी, लेड पेंसिल टूट जाती है ना। मैंने लेड पेंसिल को दो पीसेस में तोड़ दिया, सो एक्सटर्नली मैंने पेंसिल तोड़ दिया ना। बाज़ों का हमारे ज़िंदगी में ऐसे हालात और वाकयात आते हैं जो हमें एक्सटर्नली तोड़ देते हैं, बहुत हर्ट हुई मैं, बहुत दुख पहुंचा मुझे, बहुत सख्त मुश्किल का वक्त है, बहुत सख्त इब्तला है, बड़ी आजमाइश है, पेंसिल टूटी हुई मेरे दोनों हाथों में, एक्सटर्नली इट्स ब्रोकन। लेकिन अगर मैं शार्पनर लेकर पेंसिल के दोनों हिस्सों को शार्प करना शुरू कर दो, विल इट वर्क? पहले एक पेंसिल थी, कितनी पेंसिल्स हो गई, दो पेंसिल्स हो गई, इज द सेम सिनेरियो। अगर कोई मुश्किल आई है वो आपको तोड़ने नहीं आई है असल में, एक्सटर्नली चाहे आप टूटे भी नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने आई है, वो आपके तवक्कुल अल्लाह को बढ़ाने आई है, वो आपको मजीद कन्विक्शन पर आगे ले जाने आई है। ये उसको नजर आएगा जो इंटरनली दिल से जज्बात से ईमान से अल्लाह से कनेक्टेड होगा। आपके और मेरे आसपास की दुनिया परफेक्ट नहीं हो सकती, लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, हालात सुपर परफेक्ट नहीं हो सकते, औलाद बिल्कुल वैसी नहीं हो सकती जैसा आप हमें चाहेंगे। क्यों ओवर एक्सपेक्ट करना? अल्लाह मेरी और आपकी कोशिश देखेगा या मेरी और आपकी कोशिश का एंड रिजल्ट देखेगा? क्या देखेगा? कोशिश देखेगा। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि बताओ तुम्हारे चार बच्चे थे, चारों को कुरान हिफ्ज करा के आई हो या नहीं आई हो, अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह पूछेगा चारों को मुसलमान बनाने की कोशिश की या नहीं की, कोशिश की और फिर भी नहीं बने तो इंशाल्लाह अगर आपकी कोशिश आखिरी सांस तक भी थी आप सुरखुरु हो जाएंगे अल्लाह के। अल्लाह आपको आपकी औलाद की बेअमली की वजह से इंशाल्लाह जहन्नुम में नहीं डालेगा। ईमान रखिए, अगर आपने माँ होने का हक अदा किया है, अगर आपने दर्द के साथ उसको मुसलमान बनाने की कोशिश की है फिर भी वो नहीं बना,
अल्लाह आपको नहीं पकड़ेगा। हालात मुश्किल होते हैं एक्सटर्नली, बट आउटकम विल ऑलवेज बी गुड। हर एक के लिए या सिर्फ मोमिन के लिए? सिर्फ मोमिन के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे तिर्मिजी की इस हदीस को याद रखें कि सिर्फ मोमिन का मामला अजीब होता है, सिर्फ मोमिन के साथ ये होता है। अच्छाई हो या बुराई हो, उसका आउटकम हमेशा अच्छा होता है। और अगर आपको और कोई इंसेंटिव याद नहीं रहता लोगों के जुल्म पर, एक इंसेंटिव तो याद रह सकता है ना। आप में से हो सकता है बॉसों को मेरे ये चार बातें एक महीने के बाद भूल जाए, एक बात तो याद रह सकती है। मोमिन को कांटा नहीं चुभता, लेकिन क्या होता है, अल्लाह उसके गुनाहों को उससे दूर कर देता है, बिल्कुल जैसे फिजा में पत्ते दरख से हो जाते हैं। इनफ इंसेंटिव। और कभी कभी आपकी और मेरी आजमाइश जो है वो इंसानों के जरिए आती है। अगर हमें ये पता चल जाए कि जिस इंसान की गलती की वजह से, जिस इंसान की तरफ से आने वाली आजमाइश की वजह से जो मैंने सबर किया उसके बदले में जन्नत मिलने वाली है, हम उसको थैंक यू का कार्ड लेकर आए, शुक्रिया बहुत बहुत आपने मेरे साथ बदतमीजी की, जज़ाकअल्लाह। इसलिए हमें पता नहीं होता ना, अपने हर इस तरह के इवेंट को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। और जब आप इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे, आपको यकीन हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ने आपको इस रास्ते से गुजारा है अपने से जोड़ने के लिए। स्ट्रेंथन कीजिए अपने आप को। जितना अल्लाह ने मुसलमान औरत में पोटेंशियल रखा है, ओवरऑल औरत में रखा है पोटेंशियल अल्लाह ताला ने, लेकिन जब वो मुसलमान हो जाती है उसका पोटेंशियल 200 टाइम्स बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि हर मुसलमान का 200 टाइम्स बड़ा हुआ होता है। हर वो मुसलमान मर्द या औरत जो मोमिन बनने की कोशिश में लग जाएगा, उसका पोटेंशियल 200 टाइम्स बढ़ जाएगा एक आम इंसान के मुकाबले में। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ना सिर्फ आप में अपने आप को संभालने की ताकत है, आप अपने जैसी 20 औरतों को संभाल सकते हैं। क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को? क्यों टूटे फूटे घरों में बैठे रहें? क्यों टूट फूट कर जिंदगियां और रिश्ते गुजारे? क्यों एनर्जेटिक होकर रिश्ते क्यों ना निभाएं? एनर्जेटिक होकर घर का काम क्यों ना करें? एनर्जेटिक होकर बच्चे क्यों ना पालें? एनर्जेटिक होकर हर सुबह नई उम्मीद के साथ अपनी औलाद को अल्लाह से मोहब्बत दिलाने की कोशिश में क्यों ना लग जाएं? वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आपको अपने अंदर अपनी स्पिरिचुअलिटी से खुद जमा करनी होगी। जब खुद अल्लाह का बंदा बनने का शौक होगा, जब भी औलाद को अल्लाह का बंदा या बंदी बनाने की तरफ लाएंगे, जब खुद सिर्फ आपको और मुझे शौक नहीं है, बस पढ़ तो लेती हूँ नमाज काफी तो है, रख तो लेती हूँ रोजा, इज़न्ट इट इनफ, चली तो जाती हूँ उम्र पे साल में एक दफा, बस हो गया ना, अब और क्या करूँ? आप चाहती क्या है, पीछे ही पड़ जाती हैं। इट्स 24/7 मैटर। आप और मैं हर वक्त के मुसलमान हैं। आपके खानदानों में दीन कैसे जाएगा? मैं आपके खानदान में नहीं आ सकती हूँ। हर के घर में जाके तो हर औरत दर्स नहीं कर सकती ना। आप में से आप जितनी बच्चियां बैठी हैं, आपका स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका हाई स्कूल, मैं जाकर आपकी फ्रेंड से बात नहीं कर सकती, वो विल रीच टू देम, आप जाएंगी उन तक। क्यों एम्बैरेसमेंट होती है? एक जुमला बोलने में कितनी देर लगती है? वी आर द एम्पावर्ड वंस। कौन सी विमेन एम्पावरमेंट के इंतजार में है? जो इस्लाम की विमेन एम्पावरमेंट ना देख सके, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की विमेन एम्पावरमेंट से कभी फायदा नहीं उठा सकता, वो धोखा खाएगा। धोखा भी नहीं खाएगा, कहने को दिल नहीं चाहता। विमेन एम्पावरमेंट, जब हम वेस्टर्न विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, मुसलमान औरत मुंह के बल जमीन पर गिर रही है। इस वक्त हम मुसलमान औरतें अपनी इंटेग्रिटी लूज कर रही हैं। जब माँ को एहसास नहीं है कि अल्लाह ने किस ताकत से पैदा किया है, तो बेटी तो फिर और ज्यादा धोखे का शिकार हो जाएगी। और अगर माँ को एहसास है और औलाद दूर है, तो हिम्मत नहीं हारने। यहाँ जितनी माएँ बैठी हैं और जितनी बच्चियाँ बैठी हैं, आप में से एक एक के अंदर ये ताकत है कि ना सिर्फ आप खुद इस्लाम का एम्बेसडर बन सकती हैं, आप अपने पीछे 200 औरतों को चला सकती हैं इस्लाम का एम्बेसडर बनाने के लिए। दिस इज नॉट बीइंग बिकमिंग एन ओवर एम्बिशियस थिंग। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, आपकी ताकत इतनी ही है। आपके एक एक खानदान में कम से कम 30-40-50 औरतें तो होंगी। अगर आपके अमल से और आपके जुमलों से और आपके स्टैंड लेने से और आपकी इस्तेकामत से 4 औरतों के अंदर भी जरा सा भी इस्लाम की मोहब्बत का एंगल डेवलप हो गया,
इट विल मल्टीप्लाई विद इन 20 years. हर दफा दर्श देने की थोड़ी जरूरत होती है. आप चलते फिरते मुबल्लिग हैं. आपकी लाइफ स्टाइल्स, आपकी चॉइसेस, आपका हुलिया, आपका 5 फुट का जिस्म, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ ट्रांसफर करता है. आप कितने कॉन्फिडेंट मुसलमान हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बताते हैं. हम तो डरते हैं बुरखा पहन लिया तो अंडर कॉन्फिडेंट लगेंगे. किसने कहा बुरखा पहन के अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं? आप क्या समझते हैं? बैलेंस मेंटेन करें. इस वक्त मुसलमान औरत को सिर्फ बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है. प्लीज, जो बुरखा पहनती है उनको माफ करना आना चाहिए, और जिनको माफ करना आता है उनको बुरखा पहनना आना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स. दोनों चीजें अपनाइए. मुसलमान औरत में टेंसाइल स्ट्रेंथ है. आप मर्दों से पहले जन्नत में पहुंच सकते हैं, लिटरली टेलिंग. इसलिए कि आप ज्यादा कुर्बानी दे सकते हैं. आपको ज्यादा रिश्ते निभाने होते हैं, सारा दिन वो तो घर में नहीं होता है. आपको डील करना होता है. आप उनमें ज्यादा अल्लाह के करीब हो सकते हैं. आप में से और जितनी सब खवातीन जो प्रोफेशनल लाइन्स पर नहीं है, हमें 9 to 5 जॉब नहीं करनी होती है, हमें घरों से निकल के नौकरियों के लिए नहीं जाना होता. इट्स अ लग्जरी. क्यों मिली है ये लग्जरी? क्यों मिली है ये ब्लेसिंग? नेमत नहीं मिलती मगर जिम्मेदारी के साथ. डोंट वेस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल में लोगों को माफ करने का जज्बा पैदा कर दे. अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं लोगों की बुराइयों को, उनकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स और उनकी नेगेटिव आदतों को डील कर सकूं आपके दिए हुए इल्म की रोशनी में. अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे अपने खानदान में एजेंट ऑफ चेंज बना दे. अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे अपनी औलाद को दीन की तरफ लाने वाली जुबान अदा कर दे. अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सब की औलादों को, बेटे हो या बेटियां, अल्लाह उनको दीन के लिए चुन ले. अल्लाह उनको दीन का अलम बरदार बना दे. अल्लाह हमारे बच्चों को इस्लाम में लीडर बना, माशरे का इस्लाम के रास्ते पर चलने वाला लीडर बना. भेड़ बकरियों की तरह ना बना जो अक्सरियत को ब्लाइंडली फॉलो करें और उनको ना मालूम हो कि उनके लिए असल रास्ता अल्लाह ने क्या डिफाइन किया है. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकल्लाहु खैरन. आप किसी को सवाल पूछ रहा था? जी प्लीज. जी, इनका सवाल ये कि कभी कभी हम जवाब नहीं देते. आपने शुरू की टॉक पूरी सुनी? हाँ, मैंने शुरू में कहा था ना कि कभी कभी आप फाइट बैक करते हैं, कभी कभी आप फ्रीज हो जाते हैं. जब आप फ्रीज हो जाते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंट ऑफ फ्रीजिंग इन अ फाइट. जब आप खामोश हो जाते हैं तो शायद आप जुबान से या एटीट्यूड से या बॉडी लैंग्वेज से माफ कर रहे होते हैं, लेकिन आपके अपने अंदर कुछ तकलीफ और जुमले रिपीट हो रहे होते हैं. इट्स ओके, इट विल टेक टाइम. बिजी योर सेल्फ इन पॉजिटिव थिंग्स. जितना आप अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ेंगी, जितना आप कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की तरफ जाएंगी, जितना आप पॉजिटिव चीजों में मसरूफ रहेंगी, ये अंदर की नेगेटिव जर्म को ओवरकम करना आसान हो जाएगा. इट विल गो विद टाइम. एकदम से नहीं जाती है. यहाँ से कोई कुछ पूछ रहा था, मैंने उसको रोका था. जी आप बोलिए. इन चारों में से कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन आपको करना होगा, बट फाइट वाला ज़रा धीमा रखिएगा. शौहर के साथ लड़ाई होती है, ये पॉसिबल नहीं है कि ना हो, लेकिन शौहर के साथ लड़ाई इतनी हो, बात हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है. जब आपको लगे कि उनकी आवाज़ ऊंची हो गई, अब चुप कर जाइए, अब फ्रीज हो जाइए. अगर शोहर आपको मना कर रहा है तो अच्छा, देखिए इट विल वेरी. मैं माइक पर जाता ना, वो रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है. कभी कभी ये होता है, दिस विल वेरी फ्रॉम केस टू केस. अगर मिसाल के तौर पर आपके शोहर को पसंद नहीं है कि आप घर से बाहर निकल कर दीन का इल्म हासिल करें, तो कोई दीन का इल्म हासिल करने की कमी तो नहीं, आप घर बैठ कर दीन का इल्म हासिल करें. मत जाए बाहर. जी हाँ, व्हाट्सएप पर भी ना करें, लेक्चर भी ना सुने. दिस इज अ वेरी
वेरी रेयर केस आप बात में आकर मुझसे बात करते हैं। मेरा नहीं कहा, जनरली मर्द इतना मन मना कर देते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन ये कि घर में व्हाट्सएप अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आजकल तो इल्म हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जो एक उसूल बना ले, जब घर से नहीं निकल रहे या घर से निकल रहे हैं, प्लीज ये कोशिश नहीं करनी कि हम सब आलमा बन जाए। हमारा टारगेट क्या है, मैं जो सुनूंगी मैं देर एंड देन उस बेहतरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दूंगी, आपके लिए आसानियां होने लग जाएंगी इंशाल्लाह। जी अच्छा, इनका सवाल है कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया और उसके बाद आपने उनको माफ कर दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि वो दोबारा आपको हर्ट कर सकता है, दिस विल डिपेंड दैट वो कौन है। अगर देखिए वो रहमी रिश्ता है तो फिर आप उससे कट नहीं सकते। अगर वो रहमी रिश्ता नहीं है, अगर वो दूर की एक्सटेंडेड फैमिली या कोई दोस्त है, तो मिनिमम इंटरेक्शन कर दीजिए। लेकिन मिसाल के तौर पर वो मेरा अपना भाई है या मेरी अपनी बहन है, तो मुझे सिर्फ सब्र के साथ उनको माफ करना होगा, इसलिए कि आप रहमी रिश्ता नहीं काट सकते, रब्ता कायम रखना होगा। बिल्कुल جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاك الله خيرا السلام عليكم क्या हाल है।